वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ना, उनका ये दावा है कि नहीं, हम जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं और अकलियतें हैं उनके हम हकूक़ का ख्याल रख रहे हैं, उन्होंने हमने अपना सर्विस के अंदर उनका कोटा रखा हुआ है, बाकी अदारों के अंदर भी हम उनको एंटरटेन करते हैं, लेकिन जो मजहबी अकलियतें हैं उनके अंदर बहरहाल एहसास महरूमी मौजूद है। नादरा पे शनाख्ती कार्ड करवाने के लिए बोलते गए, अपना निकाह नामा लेके आओ। हमने उसको बोला कि भाई हमारे हिंदू मज़हब में निकाह नामा नहीं होता, फेरा होता है। हमारे में दो चार पंचायत वाले बैठते हैं, बिना पंडित बैठते हैं, वो फेरे करवाते हैं, निकाह नामा नहीं होता। बोला नहीं, निकाह नामा होता है, उसकी वजह से हमारे बहुत सी मुश्किल होती है। हमारे में तो फेरे लगते हैं, हमारा असल पत्थर पहचान ये मांग में सिंदूर लगता है, ये हमारा सबूत है। इलेक्शन की टाइम पे हमारे को बहुत प्रॉब्लम होता है वोट देने के लिए, कोई भी शनाख्ती कार्ड नहीं है तो वोट नहीं हो सकता। कोई रिकग्निशन नहीं है, कल अगर मैं कोई आदमी फैमिली के साथ बाहर जाता है तो उसको प्रूव करना बड़ा महाल हो जाएगा कि ये इसकी बीवी है। अगर किसी मामले में धर लिया जाएगा तो कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। ये है कि जब आप मैरिज लीगलाइजेशन की कोई लेजिटिमेट डॉक्यूमेंटेशन मौजूद नहीं है, कोई कानूनी दस्तावेजात मौजूद नहीं है, तो उस सूरत में होता क्या कि उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उससे कई तरह के मसाइल जन्म लेते हैं। मिसाल के तौर पे आज की डेट में जब सिंध में ख़ास तौर पे फोर्स कन्वर्जन के मसाइल आते हैं, किसी ने किसी गैर मुस्लिम से शादी कर ली, इवन शादीशुदा से शादी कर ली, तो उसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो ये साबित कर सके कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है। और हम ये जानते हैं कि शरई तौर पर और कानूनी तौर के ऊपर भी निकाह पर निकाह नहीं हो सकता। अगर कोई आता है किसी लड़की को भगा के, जैसे ही उसने कबूल इस्लाम की सनद, अदालत कह सकती है कि भाई ये तो कन्वर्शन मेला फाइड है, ये तो तुम उसको किडनैप करके आए हो। अदालत को उधर अपना कलम रोक लेना चाहिए, लेकिन अदालत नहीं करती। पियान से लेकर जज तक मुस्कुराता रहता है, हमें कोई रिलीफ नहीं मिलता। किसी कॉन्फ्रेंस में हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि जस्टिस राणा भगवान दास मरहूम वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, लेकिन वो शायद वो ये साबित नहीं कर सकते थे कि वो खातून जो उनके बच्चों की माँ है वो उनकी कानूनी और शरई बीवी है। इसके लिए हिंदू मैरिज एक्ट बिल, जो बिल ड्राफ्ट हमने किया है, जब इस्लामाबाद में बिल लेके आए तो वो प्रोविंशियल, जब तक रेजोल्यूशन नहीं आता तब तक ये बिल सिर्फ इस्लामाबाद टेरिटरी तक होगा, हम नहीं कर सकेंगे पूरे मुल्क के अंदर। जो बच्चियां हमारे पास आती हैं, जो फैमिलियां हमारे पास आती हैं कि साहब हम यहाँ बीवी के आपस में नहीं निभ रहे, हमें इजाज़त दे दें, हम आप सेपरेट रहें और दूसरी शादी करें, हम बाकायदे बुला के दोनों का बयान करके दे देते हैं और सिविल कोर्ट में जाकर डिक्लेरेशन लेकर वो दूसरी शादी करती हैं। अगर यही लॉ इसी फैमिली मुस्लिम लॉ में प्रोवाइडेड करके अमेंडमेंट कर दी जाए, ईजीली हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्योंकि सबको खुश करना चाहती है, इसलिए हमारे मसाइल उलझे हुए हैं। Thank you.
जो कोटे का सिस्टम है वो बिल्कुल है, उसमें कोटे में वो लोग क्रिश्चियंस या मिनोरिटीज़ के लोगों को लेते हैं 5%, पर किन को लेते हैं ये एक क्वेश्चन मार्क है। हम लोगों को तो नौकरी मिलती ही नहीं है ना, बुलाते हैं जाते हैं, हमने रख लिया, आप जाएं। मुलाजमतों को 20 से कम या 19 की शेप में लाया जाता है, 19 के फिगर में, ताकि 5% कोटा उस पर अप्लाई ना हो सके। स्पेशल जॉब में ज़रूर होता है बच्चों के साथ, जब वो क्रिश्चियन नेम आता है तो उसमें उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है, जैसे पता चलता है कि ये क्रिश्चियन बच्चे हैं तो उन्हें जॉब में नहीं रखा जाता है। हम जॉब कोटा से उस वक्त तक सही मायनों में बेनिफिट उठा सकेंगे जब हमारे लोगों को तालीमी इदारों और प्रोफेशनल इदारों यानी मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, लॉ कॉलेजेस, वहाँ पर कोटा मिल सकेगा, क्योंकि उसके बाद ही हमारे लोग मार्केट में आकर कंपीट करने की पोजीशन में होंगे। अमली तौर पे जो हमने सर्विस के अंदर इनका कोटा रखा हुआ है मिनोरिटीज़ का 5% है यहाँ, तो प्रैक्टिकली उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती और कोई 1-2% वो करके तो बाकी लोग दूसरे फिल कर लिए जाते हैं। इस पहलू से अगर देखा जाए तो कुरान मजीद या इस्लाम का तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि वो अकलियतों को सेकंड लेवल का समझता है और मुसलमानों को फर्स्ट लेवल का समझता है। ना उसने सियासत में ऐसा कहा, ना उसने समाज में ऐसा कहा, ना उसने कानून में ऐसा कहा, सब जगहों पर उसने बराबर रखा है। ये मसला मेरे सामने आया जब मैं अब थरपारकर को देखता हूँ, वो ये कि माइनॉरिटीज़ का कोई शख्स बीमार होता है, हम उसे ज़कात से जो नहीं दे सकते। अब हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को ज़कात के 50-50 लाख ज़कात काउंसिल ने वो दिए हैं, इसीलिए कि जो नादार मिस्कीन मरीज़ हैं उनका इलाज हो। लेकिन वहाँ पर होता यह है कि अगर डॉक्टर किसी की मदद करना चाहते हैं तो वो कहते हैं किसी मुसलमान के आइडेंटिटी कार्ड पर ले। आज अगर हमारे हॉस्पिटल के अंदर कोई बीमार पेशेंट जाता है जिसके पास पैसे नहीं है, अगर वो मुसलमान है तो उसको ज़कात से पैसे मिल जाते हैं, मगर वो नॉन मुस्लिम है तो उसको कहीं से भी पैसे नहीं मिलते हैं, उनको सिर्फ लाश मिलती है जो लेके और अपने घर लेके चले जाते हैं। ये उलमा का फतवा है, अल्लाह ताला का हुक्म नहीं है, तो मेरा ख्याल होना चाहिए जहाँ जहाँ ज़कात प्योर ज़कात, चलिए ये तो पता नहीं बैतुल माल में क्या क्या पैसे आते हैं, बिल्कुल आपकी अपने निकाल के हिसाब करके ज़कात दी है और एक क्रिश्चियन आदमी को या एक औरत को ज़रूरत है तो मैं देने का हकदार हूँ, अल्लाह ताला की तरफ से कोई रुकावट नहीं है। सबसे बड़ा उनका मसला ये है, उनको रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं मिलती। पॉलिटिकल पार्टी नाम के लिहाज से तो हमें देती है, अपने मैनिफेस्टो में तो लिखती है, लेकिन अमल ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है। अगर आप पाकिस्तान के हवाले से देखें तो मैं नहीं समझता कि किसी भी सतह पर अकलियतों को इस ज़िमन में शामिल किया जाता है। हमें रिजर्व सीट दी है गवर्नमेंट ने, लेकिन हमारे किसी काम की नहीं है। अगर हमें हर डिस्ट्रिक्ट में जहां भी हमारी पॉपुलेशन हिंदू माइनॉरिटी की है, अगर एक एक सीट वहां एग्जिस्टिंग सीट्स में एक माइनॉरिटी के लिए रिजर्व कर दें,
مائنورٹیز اپنے نمائندے خود منتخب نہیں کر سکتی. جو ریزرو سیٹیں ان کے لیے ہیں اس کے اوپر پارٹی لیڈرشپ وہ ایک لسٹ دیتی ہے, اور وہ لسٹ جو ہے اس کے اندر جتنی سیٹیں آپ کو جنرل الیکشن میں ملتی ہیں اس کے تناسب سے اس پارٹی کو مل جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ جو بھی مائنورٹیز کی سیٹ پہ آنا چاہ رہا ہے وہ مائنورٹیز کے پاس نہیں جائے گا, وہ پارٹی کا جو بورڈ ہے اس کے پاس جائے گا. وہ سیاسی جماعتوں کے نومینیٹڈ لوگ ہوتے ہیں اور وہ عوام سے جو اقلیتی گروہ ہیں ان سے ان کا رابطہ نہ ہونے کے برابر ہے. نہ تو عوام ان کو اپنا نمائندہ سمجھتے ہیں اور نہ وہ عوام کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. ہمیں ان ریزرو سیٹس کو وزن دلانے کے لیے ہمیں ریزرو سیٹس تھرو الیکشن کرانی پڑے گی. ہم جب لوگوں کے ووٹ لے کے آئیں گے تو ہمارے اوپر بھی ریسپانسیبلٹی ہوگی اور ہمارا وزن بھی ہوگا. ہماری پارٹیسپیشن ہے, ہمارے جذبات بھی ہیں. ہم یہاں تک کہتے ہیں کہ قائد اعظم کے ٹائم کے اوپر اگر اسمبلی کا اسپیکر ہندو ہو سکتا ہے تو آج کیوں نہیں ہو سکتا. جب آپ مجھے پریزیڈنٹ کی رائٹ سے ہٹاتے ہیں, نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کے رائٹ سے ہٹاتے ہیں, پرائم منسٹر کی اسٹیٹ سے ہٹاتے ہیں تو میں انجر ہوتا ہوں, میں سیکنڈ کلاس کا بن جاتا ہوں. ہٹائیے ان چیزوں کو, یہ ہمارے لیے پرابلم ہے. ہمارے لیے جو بھی پولیٹیکل آزادی آپ نے دے رکھی ہے اس کو زیرو کر دیا ہے.